गाइस हम धौलेश्वर जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ है और मस्त है। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, आज है शिवरात्रि, तो घर की साफ सफाई करके नहा के आ चुकी हूँ मैं, और आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सीधा ना मैं आई हूँ पूजा करने के लिए, और ये मिलिए आप लोग हमारे नए मेहमान से। एक्चुअली ये ना मौसी जी के हैं लड्डू गोपाल, तो मौसी ने बोला तुमने नहा लिया है तो तुम लड्डू गोपाल को तैयार कर दो। तो मैंने लड्डू गोपाल को उठाया है, अभी इनको नहला भी दिया है, अभी इनको सुंदर से कपड़े पहना के एकदम बढ़िया से तैयार करूँगी मैं। तो लड्डू गोपाल को मैंने कैसे तैयार किया है मुझे कमेंट करके बताइए। पहली बार मैंने लड्डू गोपाल को तैयार किया है, तो उनका भोग लगा दिया था मैंने, अभी पूजा और कर देती हूँ घर में, बाकी मुझे भी मंदिर भी जाना है। अभी ना हम लोग अपने गांव के ही मंदिर में आ गए हैं, उस वाले मंदिर पे तो आज बहुत भीड़ हो गई, हमने सोचा पहले यहीं से चढ़ा देते हैं। दीदी ने मंदिर की सफाई भी कर दी, गंदा हो रखा था, दीदी और राधिका ने झाड़ू लगा दी यहाँ पे। तो ये ना हमारे गांव का मंदिर है, यहाँ पे शांति पूर्वक पूजा हम लोग कर सकते हैं। अभी जो मंदिर जहाँ मेला है वहाँ पे मंदिर में जाएंगे ना, तो आज वहाँ जिस हिसाब से मैं यहाँ बैठ के पूजा कर रही हूँ ना, ऐसे तो मुझे वहाँ कभी बैठने को मिलेगा ही नहीं, बस जल चढ़ाओ और धक्का मार देते हैं कि खड़े भी नहीं रह सकते आप यहाँ पे। तो मंदिर से आने के बाद में ना हम लोग फटाफट से खाने में लग गए हैं, क्योंकि खाना जल्दी रेडी करना है, इन्हें ऑफिस भी जाना है, और थोड़ा सा ही बनाया है क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ना व्रत है घर में, मेरा नहीं है बट हाँ मौसी का है, दीदी का है, इन सभी लोगों का है। तो आलू की सब्जी बनाई है मसाले की, और पूड़ियाँ बना देंगे, बाकी मौसा को दाल खाने की, तो उनके लिए दाल बनेगी, और वो पूड़ी वूड़ी कुछ नहीं खाते, उन्हें रोटी पसंद है, वो जैसे चूल्हे की रोटी खाते हैं मौसा, तो उनके लिए वो बनेगा। फटाफट से काम निपटाते हैं क्योंकि फिर हमें मेला जाना है। यू आर वेरी एक्साइटेड, कब से वेट कर रही हूँ मैं मेले का, अपने घर पे होती तो और अच्छा लगता बट नहीं जा पाई, कोई नहीं अगले साल तो पक्का जाऊंगी मैं मेले पे। तो सब्जी जो है वो बन चुकी है, अभी पूड़ियाँ और सेक देती हूँ, बाकी दीदी जो है वो रोटी बना रही हैं चूल्हे पे, मौसा सिर्फ चूल्हे की ही रोटी खाते हैं, पूड़ी पराठे ये सब उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो पूड़ी जो है वो बहुत थोड़ी सी बनानी है, क्योंकि आधे लोग तो रोटी खा रहे हैं बाकी आधों का व्रत है, तो थोड़ी सी ही पूड़ियाँ हमें सेकनी है। और टिफ़िन जो है वो अपने देवर का लगाना है, ये टिफ़िन नहीं लेके गए हैं आज, बोले ऑफिस में ही जाके लंच करूँगा। सारे काम निपटा के अभी मैं देखिए रेडी हो रही हूँ, मेरी ननद भी रेडी हो रही है, और मेरा ना गला बहुत ख़राब है, आपको आवाज़ एकदम चेंज चेंज सी लग रही होगी, और मेरी जो तबीयत है ना वो भी ठीक नहीं है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तभी ये वीडियो बड़ा लेट जा रहा है। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, मौसी वगैरह सब लोग रेडी होके आ रहे हैं, इकट्ठे मेला देखने जाएंगे आज, मौसी भी है मेला देखने के लिए साथ में। व्रत का मेला जा रही है, इधर आ यार, तुम शर्माती बहुत हो, तैयार? हाँ चलो चलो। तो भाई हम धौलेश्वर जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है मेले में, वहाँ कहीं कैसे मेला देखेंगे, शिवरात्रि मतलब शिवरात्रि है ना, सब लोग आते दूर दूर से। अन्नू अपनी बुआ के साथ में है,
साथ रहना बाबू, नीचे ना उतरो, बहुत भीड़ है। तो लाइन तो भाई इतनी ज्यादा लंबी लगी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। प्रसाद तो हमने ले लिया है और लग चुके हैं लाइन में। हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, ज्यादा टाइम के लिए मंदिर में रुकने तक नहीं देते हैं, भीड़ इतनी है। हाँ भगा देते हैं थोड़ा। राधिका तुम जो भी ले रही मेरी अन्या की किसी ने चप्पल ही चुरा ली, बेचारी नंगे पैर है, उतार गए, इतनी अच्छी चप्पल थी, पता नहीं कौन चुरा के ले गया, गुस्सा आ रही मुझे बड़ी तेज। हाँ कौन सा वाला कहाँ है बताओ। अच्छा लग रहा है वाला फोन। मेले में ना सिर्फ घर गृहस्थी से रिलेटेड ही चीज़ें हम लोग ले सकते हैं, और क्या ही लेंगे, बच्चे अपने खिलौने ले लेंगे। और ये देखिए मुझे कुछ दिख गया है, ये मशीन है प्याज काटने वाली, जो कि सही लग रही थी बट कांच की है ना, तो नहीं लूँगी मैं, स्टील की देख रही हूँ कि वो मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। बाकी इस दुकान से थोड़ा बहुत कुछ लिया। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे केरी की स्मेल रहे हैं ना। और अभी ना दीदी मिगी ले रही है, भैया को बड़ी अच्छी लगती है मिगी, बनती किससे ये तो नहीं पता है बट हाँ शिवरात्रि पे जरूर मिलती है। तो हम लोगों ने बहुत कुछ खरीद लिया है, अभी ना मेले से बाहर आ गए, अंदर बहुत भीड़ है, घुटन सी हो गई है वाकई। आपके साथ में कितने बच्चे हैं? दो बच्चे। दो बच्चे कर गए इनके। तो बच्चों को झूला झुलवा के इधर आ चुकी हूँ मैं पापड़ी लेने के लिए। बड़ी बढ़िया सी पापड़ी लग रही थी देखने में, तो सोचा टेस्ट करते हैं। और पापड़ी जो है वो जब तक तीखी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। बड़ी चटपटी पापड़ी बनाई मैंने, मतलब भैया स्पाइसी बनाना, कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी बना दी, आंसू आ गए मेरे। बाबू पापड़ी खा लो। मजा आया, मम्मा को भी मजा आ गया, बड़ी मिर्च लग रही थी, आइसक्रीम खाई तब अच्छा लगा। हाँ नहीं झूला, मजा आया झूला झूल के, सच्ची मेला देख के मजा आया कितना। अन्नू बड़ी खुश है आज। तो अभी ना ये मुरमुरे मैंने ले लिए हैं बच्चों के लिए, और अभी गन्ने का जूस मिल रहा था तो सोचा कि गन्ने का जूस पी लेते हैं ताज़ा ताज़ा, बड़ा मुझे अच्छा लगता है गन्ने का जूस, बट इस टाइम पे गला जो है वो ठीक नहीं है ना, तो नुकसान भी मुझे बहुत ज़्यादा करेगा। और ये देखिए कीरिंग स्टैंड मिल रहे हैं हर हर महादेव वाले, और कुछ कीरिंग्स भी हैं बट हमारे घर पर है कीरिंग स्टैंड तो फिर मैं नहीं लूँगी, बस देख रही हूँ। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पर आ चुके हैं, बड़ी थकावट हो गई भाई लेकिन बड़ा मजा आया मेला में। मुझे रितिका की बॉल बड़ी अच्छी लग रही है, रितिका दिखाओ आके। ये देखो रितिका की बॉल। सो गाइस देखो मैंने एक फोन, फिर से फोन,
फिर से एक टॉय। मजा आया बच्चों आज मेला में। बाबू ये दिखा, लाइट जलती इसमें। चल आपको एक गेम दिखाऊं। कैसे कैसे लाइट जलती है? उछालो तो लाइट जलती है। ये वाला फ़ोन मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। जब भी मेला जाती थी ना तो मैं ये ज़रूर लेके आती थी, इसीलिए जैसे ही मुझे दिखा ना मैंने आन्या को तुरंत दिलवा दिया, क्योंकि मुझे मेरा बचपन जो याद आ गया। ये सारी सामान हम लोग मेला से लेके आए हैं। ये देखिए, एक फ्राई पैन है और ये देखो ये आटा छानने वाली चलनी स्टील की, और ये देखिए कुछ सामान है, ये है ऐसे करके इससे बढ़िया से मिर्च वगैरह कट जाती है, और ये कप आए हैं, और ये सुंदर सी प्लेट है। नमकीन रख लो, बिस्किट रख लो, दो तीन तरीके की। ये देखिए गाइस, मुरमुरिया आई हैं, अच्छी लगती है। ये देखिए ये है मिगी, बहुत अच्छी लगती है मिगी। नहीं, और एक ही डस्टबिन लेके आए हैं, और बाकी ये छोटी छोटी चीजें लेके आए हैं। ये देखो छोटी सी डोलची, कुछ भी रख लो इसमें, आपके खेलने के लिए नहीं है मम्मा, पूजा के लिए लाइए, कुछ भी रख लो इसमें थोड़ी सी चीज। देखो ये लेके आए थे जो देख रहे थे ना, प्याज काटने वाली मशीन। सो गाइस, लाइट नहीं आ रही कमरे में ना, अंधेरा सा हो रखा है। चाय पीने के लिए जा रही हूँ, पता नहीं क्यों खांसी सी आ रही है मुझे रात से, और बॉडी टूट रही है, तबीयत नहीं सही लग रही है, सर्दी सी लग रही है, तभी स्वेटर वगैरह सब आ गई हूँ पहन के। तुलसी वगैरह डाल के चाय बनाई है मैंने, थोड़ा अच्छा फील होगा गले में ना, आराम मिलेगी। तो डिनर में ना डिसाइड हुआ है कि कचौड़ियाँ बनेंगी, ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि किसी को भूख नहीं है, सभी लोग बहुत थके हुए हैं, तो इसीलिए बहुत थोड़ा सा बनाएंगे। हम लोगों की भी तबीयत जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बस लग रहा है कि खाना खाएं और जाके सो जाएं, क्योंकि पूरा दिन हो गया है, रेस्ट बिल्कुल नहीं मिला है, ऊपर से तबीयत भी ख़राब है। सो गाइस, खाना पीना जो है हमारा हो चुका है, थोड़ी सी मैंने खाया था, पता नहीं क्यों तबीयत सी सही नहीं है। दीदी की तो मेरे से भी ज़्यादा ख़राब हो गई, उन्हें फीवर, और उनकी तबीयत तो बहुत दिन से सही नहीं है, और आज मेरी भी ख़राब हो गई। खाना जैसे बनाया वैसे हम ही जानते हैं, जैसे तैसे बना दिया, अब क्या करें, हमें लोगों को बनाना पड़ेगा ना भाई। तो मज़ा तो वैसे बहुत आया, वही है ना, थोड़ी सी तबीयत ढीली हो गई। एक्चुअली कल भी हम लोग घूमते रहे वहाँ पे, 2-3 किलोमीटर तो चले होंगे पैदल, और आज मेला, तो फिर बॉडी को जब रेस्ट नहीं मिलता ना, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो चलो भाई, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे, राम राम जी सभी को, बाय बाय।